ओके, जिससे पहले आप लोग मेरे को कुछ बोलो, मैं खुद ही अपने आप को सुना लेता हूँ। सैटरडे 11 जुलाई 2020। और मेरी पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि कैलेंडर पे लिख लो तुम्हारे भाई की 9 तारीख को वीडियो आएगी, और वो वीडियो नहीं आई 9 तारीख को। लेकिन लेट आए पर दुरुस्त है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं नहीं ला पाया 9 तारीख को वीडियो। दिल से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आज भी हम माइनक्राफ्ट ही खेलेंगे। तो चलिए शुरू हो जाते हैं माइनक्राफ्ट खेलना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ सॉरी, माइनक्राफ्ट बंद हो गया, मतलब माइनक्राफ्ट ने भी बेइज्जती मार दी। वेट, तो अब ठीक है। तो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं टेक्नो गेमर, और आप देख सकते हैं जैसे कि ये बहुत बड़ी सी चीज़ आपको दिख रही होगी, पता नहीं क्या अजीब सी वाला है ये, और ये आगे तक है, मतलब हम इस गोले के अंदर बंद हो रखे हैं, और आई डोंट थिंक कि मैं इसे तोड़ सकता हूँ। तोड़ सकता हूँ, इसके पीछे क्या है? अबे यार, ट्रोल हो गया मेरे साथ है क्या? मैं क्रिएटिव में हूँ? वेट अ सेकेंड। ओके, तो मेरे को नहीं पता मैं क्रिएटिव में क्यों हूँ। मैंने अपना गेम मोड सर्वाइवल ही लगाया था, पर पता नहीं कैसे, तो मैं इसे वापस से क्रिएटिव में कर लूँगा। लेकिन अब अगर क्रिएटिव में आए तो आपको बाहर का लुक दिखा देता हूँ इसका। ये देखो, मैं उधर से आया हूँ, पहले ऊपर से भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई साहब, मतलब बनाने वाले ने क्या मेहनत की होगी। अब मैं ये कह नहीं सकता कि ये मैंने बनाया, क्योंकि ये सरासर झूठ होगा। ओके, तो फिर देखो ये वाले जो ग्लास है ना, मेरे को नहीं पता ये ग्लास कहाँ से आए उसके पास, पर मैं अभी इन ग्लासेस से धक रहा हूँ, मतलब आप समझ जाओ कि ये ग्लास है, समझ जाओ। और मेरी इन्वेंटरी में पता नहीं रॉकेट्स क्यों है। फ्लाइट ड्यूरेशन 1 फायर रॉक वर्क रॉकेट, पता नहीं मेरे को, लेकिन फ़िलहाल जो भी हो, अभी मैं आपको एक छोटा सा टूर करवा देता हूँ इस जगह का। मुझे नहीं पता कि इस मैप में क्या करना है, बस ये है कि पेड़ वगैरह है, 3 तरीके के बायोम है इसमें, ये पेड़ वेड़ रोकने वाला, और ये डेजर्ट वाला, और वहाँ पे स्नो वाला, और बीच में समुंदर है। तो एक बार समुंदर में डुबकी मार के देख लेते कि समुंदर में क्या है। ओके, कुछ खास नहीं है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी बस। और वो सीरीज़ का अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा ना, तो वो ट्रेलर ज़रूर देखना, आपको मतलब अच्छा लगेगा। और फ़िलहाल मैं क्या करने वाला हूँ ना, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इस वर्ल्ड की, तो मैं चाहता हूँ कि हम सुबह में शुरुआत करें, क्योंकि बताया ये सारे क्रीपर व्रीपर ना झेले जाते मेरे से। और मेन चीज़ जो मैं करने वाला हूँ, आप इसे चीटिंग भी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही करूँगा। क्रीपर को यहाँ से भगाना है मेरे को। अरे निकल तू, निकल निकल निकल, हाँ तू भी इधर, ये भी आएगा। अरे 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 अरे, और यहाँ कहीं पे मैंने स्केली वैली देखा, बस औरों को नहीं हटा हुआ। अब सब कुछ अपनी इन्वेंट्री में डाल देता हूँ, मेरे पास फायर वर्क्स है बस। तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी गेम की? इस एरिया से हुई थी। तो अब मेरे को गेम और सर्वाइवल करना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मैंने जहाँ से ये डाउनलोड किया ना, ये जगह, मैं सारे अपने मैप्स और मोब्स मोड वगैरह एक वेबसाइट से डाउनलोड करता हूँ। अगर आपको जानना हो तो कमेंट में मेरे को बता देना इस वीडियो के, मैं आपको बता दूँगा। तो फिर मैंने डाउनलोड जब किया था ना, तो अभी मैं इन गाय वगैरह को नहीं मारूँगा। उसमें ये था कि
हम इस कांच पे बंद है और हमें थोड़ा सा बीच में पानी और तीन बायो में, बस उसमें इतना बताया था। और उसमें एक चीज़ और बताई थी कि बीच बीच में यहाँ पे ना ओक्स वगैरह, ओर्स, हाँ ओर्स कैसे है, जैसे डायमंड ओर वगैरह वो सब भी हो गए, और हम यहाँ नीचे भी खोद सकते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हम पहले लकड़ी का सामान बनाएंगे और उसके बाद हमें स्टूल का सामान चाहिए, स्टूल का, अरे है मेरी इंग्लिश, स्टोन का सामान चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। तो पहले एक पेड़ मैं तोड़ लेता हूँ, कौन सा, ये वाला पेड़ पूरा खाली कर देता हूँ। नहीं यार, इस पेड़ पे ये घास वगैरह होगी हुई है, ये वाला करते हैं, चलो ये पूरा पेड़ मैं खाली करने वाला हूँ। तो आप समझ गए होंगे, मतलब हमें इसके अंदर रह रह के सरवाइव करना है। और पता नहीं मैं ये सीरीज़ कब तक कंटिन्यू करूँगा, मतलब मैंने ऐसे ही बना दिया, क्या सोच के बनाया मेरे को खुद नहीं पता, मैं खुद अभी सोच रहा हूँ कि इसमें क्या करूँगा मैं, लेकिन देखते हैं कि क्या कर सकते, क्या पता है स्ट्रॉन्ग होल्ड वगैरह हो इसमें, कुछ भी हो सकता है भाई होने को। तो ओके, तो फिर मैं अभी पेड़ काटता हुआ स्किप कर सकता हूँ, लेकिन मैं वॉच टाइम बढ़ा रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, वीडियो को डिसलाइक मत करो, मजाक कर रहा था, कर रहा हूँ स्किप मैं पेड़ काटने का। ओके, तो ये पेड़ काटने के बाद मेरे को 6 ये मिले हैं जिन्हें मैंने 24 कर लिया, और मेरे को ये सैपलिंग भी मिला है। तो सबसे पहले मैं पेड़ उगाने वाला हूँ, बिकॉज़ मेरे को नहीं पता है इसमें क्या करना है, तो जो भी करना होगा, पेड़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है हर चीज़ में। तो फिर देखो, एक पेड़ काटा और 2 हो गए, ऐसे ही अगर रियल लाइफ में भी हो तो कितना मज़ा आएगा, कभी भी हरियाली ख़त्म नहीं होगी। ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ ना मैं आजकल, ऐसा ही होता है जब यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा देख लेते हो आप। ओके, तो और एक और काम होगा, वो थोड़ा जगह देख के भी उगाना पड़ता है, एक यहाँ उगा देता हूँ और बाकी अभी अपने पास रखता हूँ, इन्हें उगने दो। ओहो गाय, आवाज़ ना कर, बहुत मारूंगा। ओके, तो ये एक लीफ है जो मेरे से टूट नहीं रही, क्योंकि ये बहुत ऊपर है, तो ये खुद हट जाएगी, आई थिंक हट जानी चाहिए। ये देखो भाई, नहीं टूट रही यार, क्या करूँ। ओके, तो अभी मेरे पास 3 लकड़ियाँ हैं और कुछ ही है, तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें बना देता हूँ, रुको। हाँ एक ये, अब मैं बेसिक सामान में, जैसे हमारी पिक एक्स हो गई, एक्स हो गई और तलवार हो गई, मेरे लिए बेसिक सामान यही होता है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो होती है पिक एक्स, और फिर मेन चीज़ होती है स्टिक्स, क्योंकि बाकी चीज़ें बनाने के लिए 6 चाहिए, फिर एक एक्स और एक तलवार, सही है। और मैं इसे यहीं रहने देता हूँ, कहीं और तो जाऊँगा नहीं। ओके, तो मतलब अब मैं चेक कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, एक चेस भी बना देता हूँ, एक छोटा सा चेस, ज़्यादा बड़ा नहीं, और यहाँ बगल में रखता हूँ। और ये फायरवर्क मेरे को पता नहीं मेरे को क्यों दे रखा है, पर फिर भी मैं रख देता हूँ। और मैं बस ये 3 चीज़ें अभी अपने पास रखूँगा। ओके, तो मैं दूसरे बायोम्स में जा रहा हूँ, और मेरे को सुबह होने से पहले पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे बकरी वगैरह भी स्पॉन हो जाए जल्दी जल्दी, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये है हमारा डेजर्ट बायोम था, जिसमें कुछ भी नहीं है, घंटा कुछ नहीं है डेजर्ट बायोम में, और नहीं कुछ है, एक गड्ढा हो रखा है, यहाँ पे UFO हमारा क्रैश हुआ था इस वजह से। आपको पता होगा कि मेरी जो माउंटेन वॉक की सीरीज चल रही है ना, आपको नहीं पता है ये जो माउंटेन वॉक आया है वो UFO से ही आए, और यहीं पे तो क्रैश हुए थे, यहीं से तो वो मेरे वर्ल्ड में आए हैं।
तो मैंने सोचा वो मेरे वर्ल्ड में आया तो मैं भी उनके वर्ल्ड में जाके एक बार चेकआउट कर लूँ कि क्या चल रहा है। तो 1 मिनट, यहाँ पे भी पेड़ उगते हैं? ओ यार, एक बात बताओ, आइस बायोम में भी पेड़ उगते हैं? मेरे को पता नहीं था, मैंने आज से पहले कभी भी आइस वाले बायोम में ना पेड़ उगते हुए कभी ना देखा, कभी भी नहीं देखा मैंने आइस वाले बायोम में पेड़ उगते हुए। अगर आपने पहले भी देखा है आइस बायोम में पेड़ उगते हुए तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये देखो, मतलब देखना नहीं सुनना आप, ये स्नो पे चलने की आवाज और ये डेजर्ट पे चलने की आवाज, मतलब रेड पे भाई, मतलब माइनक्राफ्ट वालों ने पैसा खर्च किया है बेटा, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो सबसे छोटा पेड़ मेरे को ये लग रहा है, तो मैं इसे तोड़ देता हूँ और फिर वीडियो को पॉज करता हूँ। डिसलाइक मत करना, वॉच टाइम नहीं बढ़ा होगा अपना, टेंशन ना लो। ओके, तो उस पेड़ की याद पे हम यहाँ पे एक पेड़ लगाए के, ताकि हमारा एक भी पेड़ वेस्ट ना। और ये क्या है, स्प्रूट्स? मेरे को वुड कैसे मिल गई ब्रो? ओक तक ठीक है, पर वुड भी मिल गई, तो वुड को अभी मैं यूज़ नहीं करूँगा। और रात हो गई है और मेरे पास अभी तक ज़रूरी चीज़ें भी नहीं है। तो वैसे भी माइनक्राफ्ट में भी हमारी पहली रात ऐसी ही निकलती है जब हम नया वर्ल्ड शुरू करते हैं, पहली क्या बल्कि 2-3 रातें ऐसी ही निकलती है। तो अभी मॉब स्पॉन होना शुरू हो गए, और मॉब जब स्पॉन हो गए तो फिर मतलब आप समझ जाओ कि बैंड बजने वाली है। एक्चुअली मेरी बैंड क्रीपर से ही बजती है, क्रीपर मेरा जानी दुश्मन है बाकी, क्योंकि क्रीपर मेरे लिए वेस्ट है। क्रीपर से क्या बनाओगे यार, अब TNT थोड़ी ना बनाना है मेरे को, जो गन पाउडर चाहिए होगा। और जहाँ तक सवाल है किसी और चीज़ का, कुछ नहीं निकला। तो मेरे पास फायर वर्क्स इन्होंने पहले से ही मेरे को देखे रखे हुए, पता नहीं क्यों। स्पाइडर मैं मार सकता हूँ ताकि मेरे को स्ट्रिंग मिल जाए, उससे मैं बना पाऊँगा चीज़ें। ओके, तो स्ट्रिंग से फ़ायदा होगा कि मैं अपने लिए एक बो एंड एरो बना सकता हूँ। स्केलेटन से फ़ायदा होगा कि मेरे को बोज मिल जाएंगे। तो ये आ भी गया, स्केलेटन का नाम लिया और आ गया। अबे यार मैं मार नहीं पा रहा, मेरे पास आर्मर भी नहीं है ना, अभी सेफ खेलना पड़ेगा आई थिंक मेरे को थोड़ा। खान पान की चीज़ें भी नहीं लाया मैं तो साथ में, तो ठीक है मैं सीधा अपने घर की तरफ अब भाग रहा हूँ। मतलब अभी तक वो मेरा घर है नहीं, मतलब वहाँ पे मैंने थोड़ा सा कर रखा है, मतलब समझ जाओ मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, समझ जाओ तुम बस। और ये अंडा 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 मैं क्रीपर के सर पे फोड़ेगा। अरे दो दो क्रीपर, अरे हाय फूट गया। अच्छा अब मैं चल रहा हूँ। अबे 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 अबे, दो दो पीछे पड़ गए, मारना पड़ेगा। क्रीपर को आने में टाइम लगता है, ये एक अच्छी बात है मेरे लिए, एडवांटेज है। अरे दो दो नहीं, दो दो नहीं। ओके, इसने दो दो स्ट्रिंग, ओके मेरे पास 3 स्ट्रिंग आ गई है। अब मैं एक बो बना सकता हूँ। ओके, तो ज़्यादातर ना स्पॉन अभी पानी में ही हो रहे हैं, आई डोंट नो वाई, पर पानी से बड़ा प्यार है ना। एप्पल रखता हूँ अपने पास, एप्पल दे कीप सा डॉक्टर अवे। अरे नहीं 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 ओ भाई 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 भाई, इसीलिए मेरे को पसंद नहीं है। अरे यार ये क्यों, ओ पावले पहला दिन है मेरा। ओए पहला दिन है मेरा, रुको मेरी डिफिकल्टी क्या है यार, इजी पे कर रखा है तब भी।
ओ पहला दिन है मेरा ना सोते हुए, यार ये क्या मचाते हैं ये लोग। अरे यार नहीं यार, फैंटम्स ने बैन बजा रखी है, मैं दूसरे बायोम में जा रहा हूँ। रुको, और कहीं है फैंटम्स? मेरे को तो यहीं पे दिख रहे, तो अभी अच्छा होगा कि मैं एक दूसरे बायोम में जाऊँ। अरे यार मैं मर जाऊँगा यार, क्रीपर है क्रीपर है क्रीपर है, गया गया क्रीपर, गया मैं गया। ओके तो फिर वीडियो बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरे को बस इतना बता दो, मैं वहाँ मरा कैसे? मेरे को जानना है मैं वहाँ मरा कैसे। भाई 5 बार मैं देख चुका हूँ, 5 बार दी एपेक्स को दिखा दिया, यकीन नहीं होता तो दी एपेक्स से भी पूछ लो। हाँ मैंने भी देख लिया 5 बार, और 5 बार टेक्टो ने भी देख लिया है। मेरे को तो पता भी है कि क्यों मरा ये, पर मैं नहीं बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा, नहीं बताऊँगा मतलब नहीं बताऊँगा। अबे एपेक्स, अगर तेरे को पता है तो बता दे, मैं एक तो परेशान हो रखा हूँ कि मैं कैसे मरा, जल्दी बता मेरे को। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मेरी मर्जी, मैं हूँ दी एपेक्स। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मैं हूँ दी एपेक्स, मेरी अच्छा मर्जी ठीक रहती है, है मत यहाँ पे। बता, चुप हो मैं नहीं जा, बताऊंगा, अपनी अबे मर्जी से चुप ही हो बताऊंगा पहले कुछ, तो जा, तभी बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, चुप मतलब नहीं चुप हो जा। बताऊंगा। बिल्कुल अच्छा ना, गला क्यों खराब कर रहे हो, चीख चीख के हो गया चुप। और मैं लेकिन फिर भी नहीं बताऊंगा, आप चीखते रहो। डी एपेक्स के बच्चे, मन तो करता है तेरा गला दबा दूँ, लेकिन छोड़, अब सुन, मेरे पास तेरे लिए गिफ्ट है, जाके जरा दरवाजा खोलियो। क्या मेरे लिए सरप्राइज़ है? पक्का ना, झूठ तो नहीं कह रहे? चलो मैं आया सरप्राइज़ को देखने के लिए, मेरे को बड़ा पसंद है सरप्राइज़, मज़ा आ जाएगा कुछ खाने के लिए, वो बढ़िया बढ़िया। हाँ, खोल, वो तेरे को ही खा जाएगा। क्या बोले आप, मेरे को सुनाई नहीं दिया। मैंने बोला तेरे को मज़ा आ जाएगा, खोल जाके मज़ा आ जाएगा तेरे को। ओके तो वो दरवाज़ा खोलने गया है, और बस कभी भी अनहोनी हो सकती है, मतलब एपेक्स के लिए अनहोनी होगी, मेरे को तो मज़ा आएगा। 3 2 1, बचाओ रे, अरे भागो रे, भागो भागो भागो, अरे पीछे आ रहे, अरे बाबा ये कैसा गिफ्ट है ये तो, मेरे को सर से लेके पैर तक काट देगा, ये कैसा सरप्राइज हुआ, मेरा सर ही अलग कर देगा ये तो, भागो रे। अरे दी एपेक्स, मैंने इसी काम के लिए तो इसे रखा, जब तू परेशान करे तो ये आ जाए। ये है मेरा नया डॉगी, इसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं है, कमेंट में बताना मेरे को इसका नाम, और एक चीज़ और कमेंट में बताना कि मैं मरा कैसे, प्लीज़ मेरे को जानना है। तो चलो आगे की वीडियो देख लो, क्योंकि वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया। किससे मरा? अबे मरा किससे? अंडा ला। अबे यार ये गाय के पीछे से होके क्यों आ रहा है? गाय मेरी सेफ्टी कर, गाय मेरी सेफ्टी कर, गाय जाके लड़, उसने तेरे को मारा है। मेरे पास भी अंडा है। ओ एमबॉट, अबे सही में एमबॉट है। अबे गाय तो कुछ कहती क्यों नहीं है इसे? ओए बच्चा, बच्चे मार, मैंने तेरे को जन्म दिया है, मतलब जन्म नहीं दिया है, मतलब इस स्केलेटन ने तेरे को, मतलब तुम बस समझ जाओ मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। मैं मरा कहाँ था? मैं डेजर्ट बायोम में मरा था जहाँ तक मेरे को याद है। निकल। अरे यार पानी में क्यों फंस गया? ओके तो फैंटम्स भी यहीं कहीं घूम रहे होगे, तो पहले मेरे को अपना बस सामान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और डेजर्ट बायोम, मैं उस एरिया में कहीं पे मरा था सामने। हाँ अरे स्पाइडर, क्रीपर, स्केली, अरे यार तुम ठहर जाओ यार, तुम क्या कर रहे हो? रुको मेरे को बस अपना सामान लेना है यार, लगता है स्केली एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लड़ने दो, और एक और क्रीपर फूट गया, फूटने दो।
मैं कह रहा हूँ जितने इसके लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मैं अपना सामान ले लेता हूँ। ओके, तो मेरे को मेरा सामान वापस मिल गया। और अब मैं स्केली, तुम्हारी हेल्थ कितनी है ब्रो? एक मिनट, लाइटर कहाँ से आया? आपको पता है लाइटर, मैंने लाइटर पहन रखा था क्या? कहीं इसीलिए तो उन्होंने मेरे को फायर क्रैकर्स नहीं दिए थे? मैंने हो सकता है लाइटर पहन रखा हो। ये स्केलेटन्स कितना लड़ते हैं। ओ अच्छा, मार दिया है। ओ तो इसकी हेल्थ पक्का डाउन है, बहुत डाउन है इसकी हेल्थ स्केलेटन ने। अरे यार, एक एक तो पड़ जा, हो गया बस। अब मेरे भी एक, अगर ये कैक्टस छू भी गया ना मेरे को अभी तो मैं गया। यार मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं इन्हें निकाल नहीं सकता क्या? मेरे पास इतने सारे बो एंड एरो आ जाएंगे, मतलब एरोज आ जाएंगे ब्रो। ये देखो भाई, कितने एरोज ढेरे पड़े। और इन कैक्टस में तो देखो बेटा, कैक्टस की किस्मत देखो। इस कैक्टस को यहाँ से तोड़ के देख तो नहीं मिलेगा। अबे ओए, ओ भाई भगवान उठा ले मेरे को, नहीं इन बागली मकरियों को रे बाबा। अरे यार, ओके तो फिर से मेरे को मेरा सामान मिल चुका है। और मैं सही बता रहा हूँ, ये लाइटर इन्होंने मेरे को दिया है। आई एम वेरी हैप्पी। मतलब लोगों को गेम की एंडिंग में लाइटर मिलता है, मेरे को गेम की स्टार्टिंग में लाइटर मिल गया। पर खुशी से ज़्यादा मेरे को ये इस चीज़ का गम है कि एम्ब्रॉयड में मैं खेलता हूँ, और आपको पता है एम्ब्रॉयड में लाइटर को चलाना मतलब क्या बताऊँ, मेरे को बिल्कुल नहीं आता है लाइटर चलाना। मैं दो कौड़ी का नूब हूँ, दो कौड़ी का नूब हूँ, जो नूब बोल भी नहीं सकता, इतना बड़ा नूब हूँ मैं कि मेरे को लाइटर नहीं चलाना आता। पहला आपने बंदा देखा होगा। वाओ, इतनी खुशी मेरे को आज तक नहीं हुई कि मैं लाइटर नहीं चला सकता, और मेरे को लाइटर देखे रखा हुआ है। तो अभी क्रीपर फूटा था तो वहाँ पे गड्ढा ज़रूर होगा। ओके, तो यहीं कहीं पे मैंने अपना घर बनाया था। हाँ वो रहा। ओके, तो इस गड्ढे को मैं भरने नहीं वाला हूँ, ये गड्ढा ठीक है, डिज़ाइन है भाई अपना। यहाँ पे पानी वानी ला के ना यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाऊंगा बच्चों का, ये अलग बात है, इतना बड़ा पहले से ही है, लेकिन मैं एक और बनाऊंगा, इट्स माय चॉइस। तो आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि मेरे को इलाइट्रा चलाना नहीं आता, इसलिए मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ इलाइट्रा की, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यो, अरे यार मेरे को इलाइटर चलाने के लिए पहले तो एक बड़ा सा रन अप लेना पड़ेगा, और रन अप लेने के लिए मेरे को सैंड चाहिए होगी। सैंड क्यों, रुको, और भी कुछ चाहिए होगा, डर्ट भी चाहिए होगी। हाँ, एक दो तीन चार, इतना काफ़ी होता है ना इलाइट्रा के लिए। इन केस थोड़ा सा और कर देता हूँ, बस काफ़ी है। और अब कितना करूँ, एक दो तीन चार, और एक इसके बगल में, बिकॉज रिस्क नहीं लेना। ओके, तो मेरा रनवे तैयार हो चुका है, अब मैं यहाँ से भागने वाला हूँ और फिर कूदूंगा रॉकेट्स के साथ। फूटे फुस्सी रॉकेट है ये, रॉकेट सिर्फ इलाइट्रा के लिए बने क्योंकि ये फुस्सी वाले। कैसे करते इलाइट्रा यूज? तो ठीक है गाइस, तो मैं ये वीडियो यही बंद करता हूँ इस नाकाम कोशिश के साथ।
लेकिन आप चिंता ना करो, मैं इलाइट्रा सीख के ही रहूँगा, किसी भी कीमत पे सीखूँगा। मेरे को नहीं पता, मेरे को इलाइट्रा सीखना है भाई। लोगों को इलाइट्रा मिलने के लिए लोग तरस से, मेरे को इन्होंने स्टार्टिंग में ही दे रखा है, तो इन्होंने कुछ सोच समझ के ही दे रखा होगा इलाइट्रा मेरे को, तो इलाइट्रा मैं सीख के ही रहूँगा। तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ जब मैं इलाइट्रा सीख जाऊँगा। तब तक के लिए एक ट्राई और करते हैं और उसके बाद बाय बाय।